तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आशा करते अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग के हमारे नए चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख रहे पा रहे होंगे कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों, आज मैं पूरी सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जब ये बात स्टार्ट मतलब इन लोगों के लफड़ा हुआ था तो मैं एक बार मिलने गया था उन लोगों से। तो दोस्तों, अभी आप लोग मेरी वीडियो बने रही, आप लोगों को पूरी सच्चाई में बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या बात हुआ है। और मेरे वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, विष्णु राज और मालती चौहान का केस में मैं एक बार मिलने गया था करवा चौथ के एक दिन पहले, नहीं एक दिन करवा चौथ के एक दिन बाद। तो हम लोगों ने मिलने गए थे, हम लोग दोनों लोग गए थे। और लखनऊ से भी कोई दो चार लेडीज आएंगी आई थी। वहाँ पर एक लड़का था जिसका जो एक कॉमेडी नहीं है, जो बोलता है कि हमारे दिल में फेविकोल नहीं है, हम कहे चिपका लेंगे, वो बिहार का लड़का है। उनका शूटिंग चल रहा था उस समय। तो दोस्तों, हम लोग गए थे उनसे मिलने। तो वो काफ़ी देर तक सोई थी, ज़्यादा देर तक सोई थी, क्योंकि मतलब उनको चोट भी लगा था। और लखनऊ की दो चार लेडीज़ें भी थी, वो भी आई थी। तो बोल मैं बोला भाभी मतलब अंदर है क्या? तो बोली हाँ, हम लोग सुबह 9 बजे आए हैं और भाभी अभी उठ ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग जगाए अभी तभी नहीं उठ रही। उसके बाद में झाड़ू लगाने लगी और मैं बोला भाभी नमस्ते, मतलब हमारे मतलब जवाब नहीं दिया, कहाँ नमस्ते नमस्ते। तभी मैं समझ गया लगता है कोई बात है। तो कुछ देर बाद वो घर से बाहर हो आई, हम लोगों के पास बैठी। तो उन्हें उन्होंने बोला कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों तुम आप बोल रहे, लगता है कुछ कोई बात हुआ है क्या। तो उनकी आंखों में पूरा आंसू आ गया था दोस्तों। हम क्या बताएं आप लोगों से, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। उनके आंखों में आंसू आ गया तो उन्होंने बोला कि हमको देखो कितना मारा है, देखो यहाँ पे सर पे चोट लगा है और हाथ में भी चोट लगा था। लगा था नहीं कि सर पे चोट, क्या बोले थी, मतलब ओसारी नहीं है तो ओसारी में पटक के, मतलब ऐसे बाल पकड़ के और ऐसे पटक के उसने मारा था। तो दोस्तों, ये सब बात हम लोगों ने बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई इल्जाम लगा देगा, इसलिए हम लोगों ने कोई बात साथ तक शेयर नहीं किया। तो दोस्तों, बोले थे हमारा सर पटक के ऐसा, मतलब सर मतलब वो फर्श में पटक दिया था और यहाँ पे इतना बड़ा गोला यहाँ पे पड़ गया था, यहाँ पे पड़ा था ना गोला, तो पड़ा था। तो रो रही थी बहुत बुरी तरह, रो रही थी बहुत, हम लोगों को भी आँख से आंसू आ गया। तो बोला भाभी मतलब ये कैसे, एक बात क्यों आखिर, मतलब मारा किसने? तो उसने बोला कि ये राधिका नाम की लड़की है, वो जो मतलब उसको रूम खलीलाबाद में दिलाया है और मतलब हमेशा बार बार जाते हैं। तो मैं पूछती हूँ मतलब क्यों, कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम कहीं भी जाए तुमसे क्या मतलब। तो इसी बात को लेकर, उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था उन लोगों का। तो उस दिन में उन लोगों को बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा रो रही थी दोस्तों। ये बात हम लोगों ने पहले बताया होता किसी को तो आज शायद ऐसी हो सके, ऐसी बात नहीं आती। क्या बताया दोस्तों, हम लोगों ने इसलिए नहीं बताया कि बीच में हम भी नहीं फंस जाएंगे। हम लोग ये भी थोड़ी कोई जानता था ऐसा कोई बात हो जाएगा, हम लोग जानते भी नहीं थे कि ऐसा कोई बात हो जाएगा। तो ये बात उनको शायद शक था कि हमारे जान को कोई खतरा है, ये तो मैं हकीकत कह सकता हूँ कि वो उस टाइम उनको शक था। यदि शक नहीं किया होता तो मतलब वो बोलती नहीं कि मतलब हम कुछ दिन में रहेंगे नहीं शायद, हमको ऐसा लग रहा है। बोला भाभी क्यों, ऐसा क्या बात है, मैं दवा लेके आता हूँ, आप दवा खा लीजिए अभी ठीक हो जाओगी। बोले नहीं भैया, अभी दवा आप खिलाओगे तो देखेगा फिर मुझे मारेगा, तो मैं ज़्यादा दिन तक मैं जीऊँगी नहीं, मुझे लगता है कि मैं जल्दी मर जाऊँगी। बोला क्यों, क्या बात है? तो रोने लगी, कुछ बताया ही नहीं। उसके बाद लखनऊ की एक लेडीज थी, उनको नंबर दिया, बोले लो आप मेरे, वो बोल नहीं नंबर पहले बोली हो चलिए मेरे घर चलिए, वहाँ पे देखता हूँ कैसे आके वो मारता है। तो बोले हाँ भाभी आए, आप जहाँ चाहो तो उनके घर जा सकती हो, वहाँ पर दो चार दिन रहिए, उसका फैमिली का मैटर जब शांत हो जाएगा उसके बाद आ जाइएगा। तो बोली नहीं मैं नहीं किसी के जाऊँगी, मेरा नंबर ले लो, यदि मेरा कोई दिक्कत होता है तो आपके पास कॉल करूँगी और अपना सारे बात बताऊँगी, नहीं तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। बोले ठीक है। तो नंबर लेके और फिर हम लोग मतलब वहाँ से मतलब चले आए। एक लड़का था जो छोटा लड़का था, तो बोला किसी का शूट नहीं होगा और वीडियो नहीं बनेगा। तो हम लोग वीडियो कहे बनाए, जब अगला कोई रो रहा है तो हम लोग को वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, हम लोगों ने वहाँ से चला आए। दोस्तों ये बात है कि करवा चौथ के एक दिन के बाद ही की इनकी मतलब लड़ाई, मेन लड़ाई करवा चौथ के एक दिन की बात ही की हुई है ना, तभी सुन लोगों का मैटर चल रहा था, तभी से ऐसा सब काम हुआ। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, वो वीडियो बना के बोली भी थी कि मैं जा रही हूँ ससुराल में, आप लोग कमेंट ज़्यादा कर रहे हो इसलिए मैं जा रही हूँ, नहीं जाती नहीं। तो शायद उनको पता भी था कि मैं जाऊँगी तो मैं शायद वहाँ जिंदा बचूँगी नहीं, लेकिन ज़्यादातर इनमें ज़्यादा शामिल हैं जो रिपोर्टर हैं, जो न्यूज वाले हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सवाल किया जिससे वो ज़्यादा इंप्रेशन में और आ चली गई थी कि यदि मैं
मेरा एक बच्चा है, मैं कुछ करूंगी नहीं अपने लाइफ में, तो मैं कैसे क्या खिलाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूंगी। इसीलिए वहां पे वो गई। और देखो दोस्तों वहां पे वीडियो, वहां पे का भी वीडियो मतलब डाली थी, वो बोले थे मतलब यहां का वीडियो नहीं मायके का है, अगर कि उनके घर के बगल का ही वीडियो है, क्यों वहीं पर हम लोग तो पहचान सकते हैं वहीं के घर का बगल का वीडियो है। देखे भी थी कि उसका जिम्मेदार, ज़्यादा जिम्मेदार होंगे उनका जो रिपोर्टर लोग हैं के साथ, या तो मर्डर किया होगा कोई, या कोई मतलब अपने आप फांसी लगाए होंगे। जब यहाँ से वो गई उसी रात को, मतलब यहाँ से गए 3 दिन हो गया, तो उस तीसरे दिन मतलब फांसी लगाई उनका, हाँ 3 दिन के बाद मतलब फांसी उनको लगाई है। तो रात में कोई टॉर्चर किया होगा उनको ज़्यादा, नहीं तो उनको ज़्यादा परेशान किया होगा तभी ऐसा बात होगा, सुसाइड करती है तो, और नहीं तो मर्डर करती हैं। तो दोस्तों एक आदमी उसका मर्डर नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि अच्छी खासी उनका शरीर भी था, उनको कोई मारा होगा तो 3-4 आदमी मिलकर मारा होंगे, क्यों एक आदमी मार पाएंगे, एक आदमी नहीं मार पाएंगे, कोई भी एक आदमी उसको मार नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है एक बंदा कोई मारा होगा तो उनके खाने या पानी में मतलब नशीली दवा या नींद की दवा डाला होगा, जब वो सो गई होंगी तब उनका मुँह दाब के या कैसे भी करके मतलब उनके काम को अंजाम दिया गया होगा। और दोस्तों मैं जायज़ किसी के कसको इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो कोई किया है वो बहुत गलत किया है, क्योंकि आज उनके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप प्रशासन से यही गुहार करूँगा कि उनकी कार, उनकी केस में ज़्यादा छानबीन हो और जो उचित दोषी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और दोस्तों यदि कोई विष्णु राज ने मतलब उनको मारा है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, आज उन्होंने नहीं मारा है तो उनको यह सज़ा मिलता है तो जान लो उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो किसी को भी मतलब सज़ा हो तो उनका ज़्यादा छानबीन मतलब केस का छानबीन ज़्यादा अच्छे से करें, या तो दोषी विष्णु राज ठहराए जाते हैं तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों हम लोग तो गए थे जिस दिन मतलब मिलने, उसी दिन हम लोग को पता चल गया था कि ऐसी सी बात है, लेकिन हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था, या रिकॉर्डिंग किया होते वहाँ पर तो आज कुछ मिलता हम लोगों को भी सपोर्ट आता, लेकिन सपोर्ट इसमें नहीं है कि दोस्तों। तो बाय बाय, फिर मिलते अगली वीडियो में, तगले बाय।